हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरीज। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इन दिनों में सारा सतानी और अयूब शेख की फ़ाइट चली हुई है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। रिसेंटली एक चीज़ जो सामने निकल के आई कि जब अयूब शेख मरियम शेख के साथ लाइव में थे, तो मरियम शेख ने एक सवाल रखा था कि सारा सतानी जो है कि वो अयूब शेख के होते हुए अपने पहले हस्बैंड का नाम क्यों लेती है, उनको क्यों याद करती है। तो वो एक गलत चीज़ है, जिसके जवाब में अयूब शेख ने बोला था कि उनको ये सब चीज़ें बहुत बुरी लगती थी और उनका दिल दुखता था इन सब चीज़ों के कारण, और वो सारा सत्तानी को इस सब चीज़ों के लिए बोलते भी थे कि मत क्या करो, लेकिन उन्होंने कभी भी ओपनली ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बात नहीं किया। तो गाइज, इसी का जवाब देते हुए सारा सत्तानी ने वीडियो में क्लियर किया कि वो अपने पहले हस्बैंड कासिम का जिक्र क्यों करती है आज भी। तो छोड़िए, थोड़ा सा चलते हैं सारा सत्तानी के बचपन की ओर और उनके फैमिली बैकग्राउंड की ओर। जैसे कि सारा सत्तानी एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, वो एक स्लम एरिया में रहती थी, लेकिन जब उनकी शादी उनके हस्बैंड यानी कि पहले हस्बैंड कासिम से हुई, तो उनके पहले हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा रिच थे, जिन्होंने उनका हाथ पकड़कर उस स्लम एरिया से उनको काफ़ी अच्छी ज़िंदगी दी और उनको बहुत प्यार भी किया, और सारा सत्तानी भी उनको काफ़ी प्यार करती थी। उन्हीं से उनको दो बच्चे भी हुए जो उनके साथ आज रहते हैं। तो सारा सत्तानी के मुताबिक आज भी वो अपने पहले हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, क्योंकि उन्होंने उनका हाथ थामा, उनको एक अच्छी ज़िंदगी दी। इसके चलते हुए आज भी वो उनके लिए दुआ करती है, उनके हक़ में दुआ करती है, और वो बोलती है कि वो ऐसा हमेशा करती रहेगी जब तक वो ज़िंदा है। और उन्होंने अयूब शेख का हाथ इसीलिए पकड़ा था कि क्योंकि वो अयूब शेख को उस टाइम जहाँ पे सारा सत्तानी खुद थे एक बार, वहाँ पे देखती थी। जैसे सारा सत्तानी के हस्बैंड ने अमीर हो के सारा सत्तानी गरीब का हाथ पकड़ा, वैसे ही सारा सत्तानी अमीर ने हो के अयूब शेख गरीब का हाथ पकड़ा, ताकि वो भी सारा सत्तानी को वैसा ही प्यार करे जैसा सारा सत्तानी ने अपने हस्बैंड से प्यार किया था। उन्होंने ये शादी सिर्फ प्यार के लिए की थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये सब चीज़ें भी हो जाएगी, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद भी उन्होंने अयूब शेख के सामने एक बात रखी, जो कि ये थी कि उन्होंने बोला था कि वो हमेशा ये सब चीज़ें करती रहेगी, लेकिन अगर उनको फिर भी लगता है कि ये सब चीज़ें गलत है, उनको नहीं करनी चाहिए, या फिर उनका दिल दुखता है, तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके अयूब शेख से माफ़ी भी मांगी है इस चीज़ को लेके, और उन्होंने अयूब शेख से कहा है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। तो ये कुछ सवाल थे जो मरियम शेख ने सारा सत्तानी के ऊपर दागे थे, और अयूब शेख ने भी इसके चक्कर में उन्हें बहुत कुछ गलत बोल दिया था, लेकिन मेरा मानना है कि सारा सत्तानी जो भी करती है वो बहुत अच्छा है। हालांकि उनके उसमें जो भी चीज़ें हैं वो क्या बोलती है, लेकिन एक इंसानियत होने के नाते अगर आप अपने जिससे आपने प्यार किया है आप मरने के बाद भी उसको याद रखते हो, तो ये बहुत ही एक बड़ी बात है। और सारा सत्तानी के मुताबिक उनके हस्बैंड ने उनको बहुत प्यार किया, एक अच्छी ज़िंदगी दी जिसको वो कभी भी भूल नहीं सकती है, और उन्होंने अपने बचपन में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलातों का सामना किया था, लेकिन अभी वो जहाँ पे भी खड़ी है, जहाँ जो भी उनके पास है, जितनी भी धन दौलत है, वो उनके पहले हस्बैंड की देन है, और इसीलिए वो उनको कभी भूल नहीं सकती है, और उन्होंने वो कभी भूलेंगे भी नहीं इस चीज़ को लेके। तो चलिए, आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।